चलो लाइव करो। ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज फिगर सीरीज, जिसको बोलते हैं चित्र श्रृंखला। आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज फिगर सीरीज, जिसका नाम है चित्र श्रृंखला। अब देखो मुझे अगर इस टाइप की बात करें, इस टाइप का सवाल अगर आप देखोगे 2015 के पहले हर पेपर में पूछा जाता था, 2015 के पहले हर पेपर में इस टाइप का सवाल एग्जामिनर पूछता था, लेकिन 2015 के बाद ये आना बंद हो गया और ये दोबारा स्ट्रांगली कमबैक किया 2019 के एग्जाम में। 2019 के बाद जितने भी पेपर हो रहे हैं उनमें इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। एसएससी में भी इस टाइप का सवाल आएगा और ये आएगा बच्चे आपके टीयर वन में। टीयर वन का जो पेपर होगा, एसएससी का जो पहला पड़ाव होगा, वहां पर आपको इस टॉपिक से सवाल पूछे देखने को मिलेगा। अगर हम एफकेट की बात करें या लोअर लेवल एग्जाम की बात करें तो उसमें इसी टॉपिक से एग्जामिनर 3 से 4 सवाल पूछता है। एफकेट के अंदर इसी टॉपिक से एग्जामिनर 5 सवाल पूछता है। स्टेनो में, यूपीएसआई में, कॉन्स्टेबल में, हर पेपर में अब इस टॉपिक का सवाल तो आएगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामिनर चित्रों के माध्यम से श्रृंखला दे, फिगर के टर्म्स में सीरीज दे, तो वैसे सवालों को एग्जाम में कैसे बनाते हैं। चलो जी, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, द बेस्ट पार्ट इज अबाउट इसका फॉर्मेट हमेशा एक ही रहेगा, कोई और फॉर्मेट नहीं, एक ही टाइप का सवाल आएगा। और सवाल क्या होगा, ध्यान सुनेंगे, एग्जामिनर क्या करेगा बच्चे, पहला फिगर आपको देगा जिसको लिखेगा वो ए, दूसरा फिगर आपको देगा जिसको लिखेगा बी, तीसरा फिगर आपको देगा जिसको लिखेगा सी, चौथा फिगर आपको देगा जिसको लिखेगा डी। तो एग्जामिनर बोलता है कि जरा मुझे बताओ, अगर ये चार चित्र मैंने दिए, इन चार चित्र मैंने दिए, तो आपको क्या करना बच्चे, इन चारों चित्रों को देख के इसमें क्या करना है, लॉजिक निकालना है, तर्क निकालना है, और बोलेगा बताओ जी इसका अगला चित्र कौन सा बनेगा। चार से पांच चित्र देगा आपसे, बोलेगा बताओ जी अगला चित्र कौन सा बनेगा, नीचे आपको चार ऑप्शन दे देगा, सारे किसमें होंगे, चित्रों के माध्यम से। तो अब देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई भी सवाल आता है, ऐसे सवालों को एग्जाम में जल्दी कैसे बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बहुत जल्दी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे इसको समझाने के लिए लेट्स स्टार्ट विद वन प्रॉब्लम, एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो सवाल का फॉर्मेट क्या होगा बच्चे, ऐसा कुछ सवाल आएगा। देखो यहां पर उसने दे दिया प्रॉब्लम फिगर, उसने पांच चित्र दे दिए ए बी सी डी ई। अब एग्जामिनर बोलता है कि अगर ये पांच चित्र एग्जामिनर दे दिए तो आपको बताना इसके अगला वाला इनमें से कौन सा होगा। पांच चित्र दे दिया बच्चे, इन पांचों चित्र को क्या करना है, आपस में आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है, और तुलना करने के बाद आपको यह बताना है कि अगला चित्र इन पांचों में से कौन सा होगा, दूसरा। ओके थर्ड, ओके कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को पेपर में, जब भी इस तरह सवाल आएगा ऐसे सवालों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे। सिक्स जो होगी वो क्या होगी, कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को पेपर में, अब छोड़ देंगे, बहुत बढ़िया, जब भी ऐसा सवाल आएगा इस टॉपिक को छोड़ देंगे, इसका टॉपिक हो गया समाप्त। आओ जी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लापड़ मारूंगा छोड़ देंगे। हाँ जी कैसे बनाएंगे, ओके चलो पहले आप कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, अब बच्चे अगर आपने पहले इस तरह के सवाल क्लास में नहीं किया हुआ है तो ये बन तो जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय लेगा, चाहे उतना समय जो सवाल को देना नहीं है उससे ज्यादा समय एग्जाम में लेगा। तो इससे सिंपल है, अगर मान लो ये पार्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, पेपर में आ गया देख के भाग गया, छोड़ दो जी बाद में देखेंगे, पहले पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उन पोर्शन पे आएंगे जो आपको लगता है हमने क्लास में कवर नहीं किया। ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब आते हैं कंसेप्ट की बारी, अब आते हैं कंसेप्ट की बारी, सारे बच्चे ध्यान देंगे। चलो अब देखो सुनना ध्यान से,
देखो मुझे जब भी कोई भी सवाल फिगर सीरीज का आता है, जब भी कोई भी सवाल फिगर सीरीज का आता है तो इसमें हमेशा सवाल दो प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार से सवाल बनते हैं, ठीक है। मतलब जब भी कोई भी सवाल आएगा सबसे पहले आपको देखना है इन दोनों में से कौन से टाइप का सवाल है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है बच्चे, सबसे पहला होता है इफ ऑल द सिंबल्स आर सेम, इफ द ऑल द सिंबल्स आर सेम। मतलब ये क्या बोला बच्चे कि पहला टाइप का सवाल होगा उसमें क्या होगा, जो चिन्ह उसने पहले में इस्तेमाल किया होगा वही दूसरे में किया होगा, वही तीसरे में, चौथे में और पांचवे में। मतलब सारे सवालों में क्या होगा, सारे ऑप्शन में क्या होगा बच्चे, सॉरी पांचों चित्रों में क्या होगा, सिंबल आपको सेम दिखेगा, उसका स्थान बदलता हुआ नजर आएगा। जैसे अगर हम गौर से इस सवाल को देखें, अगर हम गौर से इस सवाल को देखें तो हमने क्या देखा बच्चे, यहां पे आ गया स्क्वायर और ट्रायंगल। देखो जी स्क्वायर ट्रायंगल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। फिर देखा बच्चे क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। साथ में बच गया क्रॉस, यहां भी, यहां भी, यहां भी, एंड सब में क्या है बच्चे, सारे सिंबल क्या है, सेम, ठीक है। सबसे पहले आपको यह देखना है क्या सब में सिंबल सेम है या सिंबल अलग अलग है। यह भी हो सकता है बच्चे जब आप पहले से दूसरे को कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा, चार सिंबल एक जैसे हैं, एक कोई नया चिन्ह सामने आ जाएगा। मतलब यह भी हो सकता है जब इसको कंपेयर किया तो ये चारों मुझे दिखेगा, बस इसके जगह यहां पर क्या आ गया, मान लो यहां पर क्या आ गया, हैश आ जाएगा। मतलब अब क्या हो गया बच्चे, एक सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसमें दो तरह के सवाल बनेंगे। पहला केस क्या है बच्चे, पहला केस बोलता है ये सारे सिंबल क्या हो, सेम हो। और सेकंड केस क्या बनेगा, इफ सिंबल्स आर, इफ ऑल द सिंबल्स आर नॉट सेम, इफ सिंबल्स आर नॉट सेम, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, सारे सिंबल एक जैसे नहीं होंगे, कुछ नया आपको सिंबल आता हुआ दिखेगा, कुछ नया चिन्ह आता हुआ दिखेगा, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन एग्जाम में ये होगा बच्चे, आप ये देखे होंगे जो चित्र दिया हुआ है क्या उसमें सारे सिंबल सेम है या सिंबल अलग अलग हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अब आते हैं बच्चे कोई भी ऐसा सवाल जिसमें सारे सिंबल एक जैसे हो, सिर्फ उनका स्थान क्या हो, अलग अलग। अब ऐसे सवाल दो प्रकार से बनेंगे, ऐसे सवाल दो प्रकार से बनेंगे, ध्यान सुनो बच्चे, ऐसे सवाल दो प्रकार से बनते हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोजीशन, उनके स्थान पे बनेगा, उनके स्थान से सवाल बनेगा। सेकंड सिंबल के बेसिस पे सवाल बनेगा, चिन्ह के बेसिस पे सवाल बनेगा, ठीक है। इसका सिर्फ बेस्ड ऑन पोजीशंस, बेस्ड ऑन पोजीशंस, स्थान पे आधारित होगा या बेस्ड ऑन सिंबल, चिन्ह पे आधारित होगा। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले ये समझ लो बच्चे, जब भी कोई भी सवाल चित्र श्रृंखला का आएगा, एग्जामर क्या करेगा, चार से पांच चित्र देगा और आपसे बोलेगा बच्चे अगला चित्र कौन सा होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले आप ये देखोगे कौन से तरह का सवाल है। दो तरह के सवाल बनते हैं, या तो सारे सब में सिंबल एक जैसे होंगे या तो अलग अलग होंगे। जब भी आपको सब में सिंबल सारे चिन्ह एक जैसे दिखे तो ऐसे सवाल दो प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले बनाएंगे पोजिशन के बेस पे, और अगर ये फेल हो गया तब बनाएंगे सिंबल के बेस पे। अब ये पोजीशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, सब समझाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। ओवरऑल टॉपिक बहुत ही आसान है, बस समझने की देरी है बच्चे, बस देखने की देरी है, बस देखूंगा तुरंत आंसर टिक मार दूंगा, ठीक है। तो अभी कंसेप्ट चल रहा है, कंसेप्ट चलने दो आराम से, पहले कंसेप्ट स्ट्रांग कर लो, क्वेश्चन तो बन जाए, क्वेश्चन में क्या रखा है। अब आते हैं बच्चे, कोई भी ऐसा सवाल जिसमें सिंबल सारे सेम ना हो, जिसमें सिंबल सारे सेम ना हो, मतलब क्या होगा बच्चे, हो सकता है सारे सिंबल बदल जाए, या हो सकता है उसमें क्या हो बच्चे, आपका एक एक सिंबल बदलता रहे। तो ऐसे सवाल हमेशा किसमें बेस्ड होंगे, ये बेस्ड होंगे हमेशा पोजीशन पे बेस्ड होंगे, इसमें सिंबल का लॉजिक नहीं आएगा, बिकॉज सिंबल क्या हो रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। ऐसा सवाल किससे बनेगा, केवल पोजीशन से बनेगा। अब ये पोजीशन क्या होता है भी समझाऊंगा, डोंट वरी, सिंबल क्या होता है भी समझाऊंगा। अनिल गीतांजलि बात समझ में आ रही है बच्चे, ठीक है। अब आते हैं, आप पहले समझते हैं गुरु जी पोजीशन क्या है भाई, ये पोजीशन जो आपने लिखा है ये क्या, ये कौन सी बला है, कैसे चेक करते हैं। जब भी मुझे किसी भी सवाल में पोजीशन पे चेक करना हो, स्थान पे अगर चेक करना हो तो चेक कैसे करते हैं, तो आप सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो तो जब भी कोई भी ऐसा सवाल जिसमें जब भी एग्जामर क्या करेगा, एक स्क्वायर देगा, सुना ध्यान से, स्क्वायर देगा, ठीक है। तो अब मेरा तरीका यह बोलता है बच्चे, कोई भी चिन्ह जो यहां पर होगा, कोई भी चिन्ह जो यहां पर होगा, मैं बोलूंगा ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है और ये चौथे स्थान पर, ठीक है। यहां तक
कोई भी ऐसा चिन्ह जो आपको यहां पर दिख जाए, कोई भी चिन्ह वो मैटर करेगा नहीं। जब आप स्थान चेक करोगे तो केवल स्थान चेक करना है, वहां पे कौन सा चिन्ह है ये मैटर नहीं करेगा, आपको सिर्फ स्थान पे गौर करना है। तो मैंने क्या बोला बच्चे, अगर यहां पर कोई भी चिन्ह होगा मैं क्या बोलूंगा, वो पहले स्थान पे है, इसको बोलूंगा दूसरा, तीसरा, चौथा और बीच में क्या बोलूंगा, पांचवा। ठीक है यहां तक? अब आ जाओ, अब वालों अगर क्वेश्चन यहां पे आ गया तो क्या बोलेंगे बच्चे, तो एक और दो के बीच में इसको क्या बोलूंगा 1.5, इसको क्या बोलूंगा 2.5, इसको क्या बोलूंगा 3.5 और इसको क्या बोलूंगा 4.5। ठीक है, कोई भी ऐसा चिन्ह जो यहां पे दिखेगा ये होगा पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तीसरा, चौथा और बीच वाला पांचवा, इन दोनों के बीच में दिखेगा बोलेंगे 1.5 स्थान पे है, 2.5, 3.5 और 4.5। अरे ठीक हो आप लोग, मतलब एग्जाम में करेंगे ऐसे। मान लो कोई एक सवाल है, सुना ध्यान से बच्चे, दो कैसे कंपेयर करते हैं। मान लो कोई सवाल है, मान लो पहले वाले चित्र में स्टार यहां पे था, पहले वाले चित्र में स्टार कहां था, यहां पे। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले चित्र में, ये स्टार मान लो आ गया यहां पे, दूसरे वाले चित्र में स्टार कहां पे आ गया, यहां पे। तो अब मुझे क्या करना है एग्जाम, जब भी मैं पोजीशन देखूंगा तो आपको ये देखना है पहला वाला किस स्थान पे गया, सिंबल कौन है मैटर करेगा नहीं, आप सिर्फ पोजीशन गौर करोगे। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं क्या बोलूंगा, पहले वाले पे क्या था स्टार, पहले वाले पे क्या था स्टार, ये स्टार दूसरे में कहां चला गया, बीच यानी कि पांचवे पे चला गया, बीच का मतलब पांचवे पे चला गया। तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि इन दोनों में क्या हो रिश्ता क्या रहा है, पहले वाले कहां चला गया पांचवे पे। ठीक है, जब आप पोजीशन, आई रिपीट, जब आप पोजीशन देखोगे तो वहां पे कौन सा सिंबल है ये देखना ही नहीं है, आपको सब में देखना है क्या पहले वाला कहां पे गया, दूसरे वाला कहां पे गया एंड सो ऑन। अरे यार तो ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया, पहला सवाल बन गया जो मैंने आपको दिया था, पहला सवाल जो दिया था वो बन गया, क्योंकि वो किस पे बेस्ड था, पोजीशन पे। मतलब आपको करना क्या, जब भी हम पोजीशन चेक करेंगे, सिंपल कंसेप्ट समझो बच्चे, आपको बस ये देखना है पहले स्थान पे कौन सा चिन्ह है ये मैटर नहीं करेगा, आपको ये देखना है कि ए में जो पहले स्थान पे था वो बी में कहां गया, बी में जो पहले स्थान पे था वो सी में कहां गया। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे आ गया ट्रायंगल और यहां पे आ गया ट्रायंगल, तो अब मैं कंपेयर करूंगा तो क्या बोलूंगा, पहला कहां चला गया दूसरे पे, पहला कहां चला गया दूसरे पे। ठीक है, गलती से ये मत बोलना स्टार चला गया यहां पे, ट्रायंगल चला गया, ये नहीं बचे। जब आप पोजीशन देखोगे केवल पोजीशन के बारे में सोचना है, सिंबल के बारे में नहीं सोचना। अरे ठीक है, जैसे अब इसी का एग्जांपल सवाल पे लगा दिखाता हूं, आओ जी चलो देखते हैं। सारे ध्यान देंगे बोर्ड पे, देखो आते हैं। अब जैसे ही सवाल है तो आप क्या बोलोगे, सर ने कहा था इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, सब में या तो सिंबल सेम होगा या तो अलग अलग होगा, सब में क्या दिख रहा है सिंबल सारे क्या है सेम है। फिर आप बोलोगे सर ने कहा था जब भी सिंबल सेम होगा सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन कंपेयर करेंगे, पोजीशन कंपेयर करेंगे। आओ जी कंपेयर करते हैं। जैसे ही मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, आपको क्या देखना है पहले वाला कहां पे गया, पहले वाला कहां पे, तो पहले पे क्या दिया हुआ बच्चे स्क्वायर, कहां चला गया दूसरे पे, तो पहले वाला कहां गया दूसरे पे। ठीक है, आप जो इस तरह का सवाल जो आता है ना बच्चे, इसका अगर आप गूगल में सॉल्यूशन देखो, indiabooks.com पे बहुत सारे सवाल है, आप आधा सवाल के उठाए से बहुत सारे सवाल है, जब उसको सॉल्यूशन पढ़ोगे पागल बनाया है, कुछ समझ में नहीं आता बोलना क्या चाह रहा है। इसलिए ऐसे सवालों को बनाने का सबसे सिंपल नियम क्या है बच्चे, सबसे सिंपल नियम है जितना कम देखोगे उतना सुखी रहोगे, जितना ज्यादा इस सवाल में घुसोगे धज्जिया उड़ा देगा ये दलदल की तरह सीधे नीचे खींच लेगा आपको। इसलिए कम देख के मुझे आंसर निकालना है, एग्जैक्ट लॉजिक क्या मुझे नहीं पता ना मुझे जानना है भाई, मुझे इसके आंसर से मतलब है, सिंपल है मेरा फंडा, ये बोलता है एग्जैक्ट लॉजिक क्यों पढ़ाऊं मैं आपको, उसमें पढ़ाना पड़ेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिग्री हां तम क्यों पढ़ाओ इतना, मैं सिंपल सा कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चे, मुझे आपको बस इतना समझा रहा है ये सवाल बनेगा कैसे। तो सवाल बनने के सिंपल कंसेप्ट क्या बोलता है, बस मैं एक पार्ट को देख के ऑप्शन काटता जाऊंगा जो हम हमेशा करते हैं। आप देखो यहां से फिर कंपेयर करते हैं, आप देखो फिर क्या मैंने क्या देखा, पहला कहां चला गया दूसरे पे, अच्छा जी पहला फिर से दूसरे पे चला गया, मैं ये नहीं दिख रहा पहले पे कौन सा चिन्ह है, मैं देख रहा हूं पहला वाला दूसरे में गया कहां पे, नेक्स्ट पे कहां गया, तो मैं क्या बोलूंगा ए से बी में क्या हुआ, पहला वाला गया दूसरे पे, बी से सी में पहला वाला गया दूसरे पे, फिर कंपेयर किया पहला वाला कहां चला गया दूसरे पे, अच्छा जी इसमें ये पहला वाला चला गया दूसरे पे, तो इसका मतलब आंसर में क्या होगा, ये पहला वाला कहां पे आएगा दूसरे पे, बोलो हां कि ना।
अगर सब में गया पहला वाला दूसरे पे, तो आंसर में भी पहला वाला कहां पे आएगा? दूसरे पे। अब ऑप्शन चेक करो, देखो जी दूसरे पे नहीं है, ये है, ये है, ये भी नहीं, ये भी नहीं गया। ठीक है देखो जी, एक सिंबल देखा, तीन ऑप्शन को उड़ा दिया मैंने। अब मुझे इन दोनों में चेक करना है, तो अब देखो जी इन दोनों में अंतर कहां पे आ रहा है? यहां पे अंतर आ रहा है, यहां पे अंतर आ रहा है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, अब आप देखो यहां पे कौन आया, तो अब मैं बोलूंगा ये पांचवा वाला यहां पे आया। ठीक है भाई, इन दोनों में इसी पार्ट पे तो, इन दोनों में इसी पार्ट पे तो अलग अलग है। तो अब मैं देख रहा हूं यहां पे क्या आंसर आया, तो मैं बी से स्टार्ट करूं, बी में जो ये था पहले में कहा था पांचवे पे, तो अब लोग पांचवा वाला कहां आ गया? पहले पे। फिर कंपेयर किया, पांचवा वाला कहां आ गया? पहले पे। फिर कंपेयर किया, पांचवा वाला कहां पे आ गया? पहले पे। तो आंसर में भी क्या होगा, ये पांचवा वाला कहां दिखेगा? पहले पे। तो जिसमें स्क्वायर होगा वो आंसर है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर? ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं कि हमेशा पहले से स्टार्ट करें, आप कहीं से भी स्टार्ट करो आंसर ही आएगा बेटा। ऐसा कोई नियम नहीं कि हमेशा पहले से स्टार्ट करें, आप चाहो तो पांचवे से स्टार्ट करो, पांचवा गया पहले पे, पांचवा गया पहले पे, पांचवा गया पहले पे, पांचवा पहले पे, तो ये पहले पे होगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये बच जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। कौन सही है? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? अरे समझ में आया पहला पार्ट? चलो अब आते आगे बढ़ते, जैसे अब इसे भी एक कंसेप्ट समझना बच्चे, ध्यान देना। तो इसको बोलते हैं बेटा पोजीशन बेस्ड ऑन, सॉरी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोजीशन। कोई भी सवाल जो स्थान पर आधारित होगा, ऐसे इसका आंसर बड़े प्यार से निकालेंगे। लेकिन जब भी आप कंपेयर करोगे, हम आंसर तभी मानेंगे जब सवाल में क्या हो, फिक्स्ड लॉजिक हो। जैसे मैंने अभी पीछे सवाल में क्या देखा बच्चे, अभी हमने ये देखा कि सब में पहले वाला गया दूसरे पे, सब में पहले वाला गया दूसरे पे, तो मैंने बोला आंसर में भी पहले वाला क्या होगा? दूसरे पे। ऐसा भी लॉजिक बन सकता है एग्जाम में, सुना ध्यान से, ऐसा भी लॉजिक बन सकता है जब आपने ए को बी से कंपेयर किया, ए को बी से कंपेयर किया, आपको देखा पहले वाला गया दूसरे पे, फिर जब बी से सी को कंपेयर किया, आपको दिखेगा पहले वाला गया पांचवे पे, जब आप सी से डी को कंपेयर करोगे तो फिर से दिखेगा पहले वाला गया दूसरे पे, डी से ई करोगे तो फिर दिखेगा पहले वाला गया कहां गया? पांचवे पे। तो आंसर में फिर से क्या आ जाएगा? पहले वाला आ जाएगा दूसरे पे, पहले वाला दूसरे पे, पहले वाला पांचवे पे। जब तक कोई भी चीज रिपीट नहीं होता बच्चे, उसको हम कंफर्म नहीं मानते। कोई भी चीज अगर एक बार भी रिपीट हो जाए, उसको क्या मानेंगे? कंफर्म मानेंगे। अरे ठीक है, साथ में इस तरह के सवालों में आपको कुछ इस तरह के सिंबल भी देखने को मिलते हैं, ऐसा देखने को, ऐसा ऐसा एरो देगा, ऐसा एरो देगा, फिर ऐसा एरो देगा, एंड सो ऑन, ऐसा एरो देगा। तो देखो जब भी ऐसा कोई भी एरो दिख जाए, आधा एरो दिख जाए या पूरा एरो दिख जाए, जब भी ऐसा दिख जाए, ठीक है, तो ऐसे जब भी सवाल में आता है, यही सवाल हमेशा बेस्ड होता है सिंबल्स पे। ये पोजीशन पे नहीं होगा, किस पे होगा? सिंबल पे, सिंबल को बदलेगा। तो जब भी आपको कोई भी सवाल में एरो दिख जाए, क्वेश्चन कराऊं तो क्लैरिटी आएगी, वैसे कंसेप्ट दे रहा हूं, जब भी किसी भी सवाल में कोई भी एरो दिख जाए, तो उस केस में क्या करेंगे? हमेशा डायरेक्शन के इस रूप का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा इस रूप का इस्तेमाल करेंगे, एनी एस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का सिंपल मतलब हुआ बच्चे कि अगर मैं बोल रहा हूं, अगर ये एरो दिया तो इसको ऐसा नहीं क्या मानेंगे? पूरा मान लो। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा ये बन गया, ये मतलब क्या हो गया बच्चे? यहां से ये आ गया यहां पर, मतलब घड़ी की दिशा में दो लाइन घूम गया। फिर यहां से बन गया यहां, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में एक लाइन घूम गया। इसको मतलब जब भी ऐसा कोई एरो दिखे, उस केस में इस कंसेप्ट का आपको इस्तेमाल करेंगे। अरे ठीक है, ठीक है, पहले हमें समझा बच्चे पोजीशन पे बेस क्या होगा बच्चे। तो पोजीशन पे क्या होगा, जब आप कंपेयर करोगे आपको एक फिक्स लॉजिक होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मान लो किसी ने अगर आपको फिक्स लॉजिक नहीं दिखा, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम चेक करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंबल। सिंबल क्या होता है वो बाद में देखते हैं। चलो अब सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक इतना काफी है, आगे एडवांस बाद में आते हैं। चलो आओ, पहला सवाल कर लिया, चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू। बताओ जी क्या आंसर? कम से कम देखना है, पूरा मत देखना, कम से कम देखो। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसमें सारे कहां जा रहे हैं? ऊपर की तरफ, सारे नीचे, सारे ऊपर, सारे नीचे, सारे ऊपर। तो आंसर में सारे नीचे, आंसर में सारे नीचे, मतलब ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ एक काम करो ना बच्चे, अब नंबरिंग अपने हिसाब से कर लो, एक दो तीन और चार, जो समय सिंबल तो सेम है, बस ऊपर नीचे हो रहा है, सिंबल तो सेम है, ऐसे नंबरिंग कर लिया। आप बताओ जी,
पहला कहां गया? तो पहला कहां चला गया? एक दो तीन और चार पे, पहला गया चार पे। फिर देखो जी, पहला कहां गया? दो पे। जब कंपेयर किया पहला कहां गया? दो पे। फिर कंपेयर किया, पहला कहां गया? चार पे। देखो रिपीट हो रहा है, पहला कहां गया? चार पे। फिर पहला कहां गया? दो पे। तो आंसर में क्या होगा? पहला कहां जाएगा? चार पे। तो ये वाला सबसे ऊपर दिखना चाहिए, ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। अरे क्लियर? जब भी आपको सब में सिंबल दिख जाए, अपने हिसाब से नंबरिंग कर लो, जैसे मन चाहे वैसे नंबरिंग कर लो, क्योंकि आपको सिर्फ स्थान चेक करना है कौन कहां जा रहा है। अगर इसमें लॉजिक नहीं मिलता फिर मैं सिंबल को पकड़ता कि कौन सा सिंबल कैसे कैसे जा रहा है। अरे ठीक है, चलो आज ऐसे बात और समझना बच्चे। दो बच्चे, इस सवाल में इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इस सवाल में इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एक ऐसा सवाल आएगा जहां पर एक चित्र क्या होगा आपको उसी सवाल में दोहराता हुआ दिखेगा।
हाँ जी सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी कॉल था। हाँ जी स्टार्ट करें। ओ क्या हुआ, सारा कॉसिप कर लिया साहब? बाल फिर जाऊं मैं मोबाइल लेके बाद। चलो ध्यान देना बच्चों, तो मुझे इस सवाल में आपको यह भी करने की आवश्यकता है, बिकॉज कभी कभी एग्जामर क्या करेगा, जो सीरीज में जो सवाल देगा, जो एग्जाम में जो सवाल आएगा, उसमें आपको एक चित्र ऐसा होगा जो आपको दोहराता हुआ दिखेगा। जैसे अगर इस सवाल को गौर से देखो बच्चे, जो ये पहला वाला चित्र है वही है मेरा पांचवा वाला चित्र। देखो दोनों ये चित्र क्या है बच्चे, फिगर क्या है बच्चे, सेम। इसका मतलब ये वाला फिगर तीन के बाद क्या हो गया, रिपीट हो गया, और अगर जो रिपीट होता है वो बन जाता है मेरा लॉजिक। तो सिंपल क्या बोलेंगे, अगर ये वाला रिपीट हुआ तो आंसर में ये वाला फिगर आंसर में आएगा, तो ये आंसर में होगा। देखो जी सेम आंसर आ गया, क्लियर? मतलब जवाब सवालों को देखो तो आपको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फिगर आगे जाके रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज मेरे सवाल में दोहराता है, रिपीट होता है, तो वो बन जाता है मेरा कंफर्मेशन। जब तक वो रिपीट नहीं होगा उसको कंफर्म नहीं मानते, रिपीट होते हुए क्या मान लेते हैं, कंफर्म। जैसे यहां पर देखो जी, मैंने बोला एक वाला कहां पे गया, चार पे, एक वाला कहां पे गया, दो पे। देखो ये रिपीट नहीं हो तो कंफर्म नहीं माना, लेकिन जैसे ही ये वाला पार्ट यहां पे रिपीट हुआ मैंने उसको क्या मान लिया, कंफर्म। क्लियर? चलो तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। आओ जी क्या आंसर, डायरेक्शन की पीडीएफ चाहिए? ओके अनिल, हाँ जी क्या आंसर? अब सिंपल क्या बोलेंगे, सिंपल अगर मैं देखूं तो आप जब भी कोई भी सवाल आता है आप कहीं देखो कहीं ये वाला पार्ट आगे रिपीट तो नहीं हो रहा, पहले बच्चे करो रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर रिपीट होगा तो बल्ले बल्ले बना, लॉजिक तो निकालना ही है। तो अगर मैं जैसे भी इस पार्ट को देखा तो मैंने क्या देखा, जो ये चित्र ए में है वही चित्र मुझे कहां दिखा, ई में। ये दोनों सेम आ गया। तो अगर ये रिपीट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, आंसर में ये बी वाला फिगर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर लॉजिक निकालना तो लॉजिक कैसे निकालेंगे, तो अगर मान लो रिपीट नहीं तो लॉजिक कैसे निकालते। तो सबको नहीं देखना बच्चे, एक बार बस एक को देखो, एक बार में एक को दिखा दो। इसमें ये वाला चेहरा सब में ऊपर पे, मतलब ये पोजीशन पे नहीं सिंबल पे बेस्ड होगा, तो हम क्या बोलेंगे, दो बार ये तीर क्या है, ऊपर की तरफ, दो बार ये आ गया नीचे की तरफ, तो आंसर में क्या होगा, ऊपर की तरफ, राइट में ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, जब भी ये ऊपर है कहां पे है बच्चे, राइट साइड में, जब भी ये नीचे आ रहा है कहां पे है, लेफ्ट साइड में, तो मैं बोलूंगा आंसर में राइट साइड ऊपर होगा। हां जी हो सकता है, ये गलत है और ये तो गलत है। ठीक है, आप देखो जी सेकंड पार्ट पे आते हैं, राइट साइड में क्या आ गया, नीचे, लेफ्ट साइड में ऊपर, लेफ्ट साइड में ऊपर, राइट साइड में नीचे, राइट साइड में नीचे, तो अब क्या आएगा, लेफ्ट साइड में ऊपर। दो दो बार रिपीट हो रहा है, देखो जी ये दो बार, तो आंसर में ये क्या होगा, दो बार आएगा, तो अब मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट साइड में ऊपर, ये ऑप्शन गया। लास्ट वाला पार्ट देखो जी, एल उल्टा एल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको तब बस, आपको बस एक बात ध्यान रखना बच्चे, ऐसे सवालों में कभी भी सबको एक साथ गलती से मत देखना। अगर आप सबको देख के आंसर निकालोगे खतरनाक रूप ले लेगा ये सवाल। ठीक है, एक बार में बस एक को देखना, और जितना आसानी से देखोगे उतना प्यार से आंसर आएगा। कभी भी चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश मत कर, आप वही देखो जो आपको दिख रहा है। भाई मैंने क्या दिखा, ये मुझे दिखा एल, ये दिखा उल्टा एल, तो फिर एल आंसर होगा। ठीक है, बुक्स में इसको लिखता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इतना डिग्री रोटेट, ऐसा कोई भी हरकत आप मत करो, क्योंकि जो बुक में जो सॉल्यूशन देगा बच्चे वो सॉल्यूशन तीनों को मिला के एक साथ लॉजिक लिखेगा। जब भी हम तीनों फिगर का लॉजिक एक साथ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स लॉजिक बन जाएगा, टिपिकल सवाल बन जाएगा, और यही वो बच्चा फंसता है जो बुक से लिखता है इस सवाल को। ठीक है, चलो आओ जी चौथे सवाल पे, बता दो तो यहां पर अगर मैं पोजीशन के हिसाब से देखता हूं, सब में सिंबल तो दो ही है, अगर मैं पोजीशन के हिसाब से देखता हूं तो मैंने बोला ये 1.5 कहां चला गया, दो पे, 1.5 कहां पर चला गया, दो पे। लेकिन गौर से देखो बच्चे, सेकंड में 1.5 पे कोई सिंबल तो है ही नहीं,
सेकंड पे 1.5 सेकंड है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ किसी भी एंगल से पोजीशन पे तो है ही नहीं। ये तो कंपेयर करते हैं 1.5 कहां गया, 1.5 कहां गया एंड सो ऑन। तो यहां पर 1.5 चला गया दो पे, बट यहां पर 1.5 पे कुछ है नहीं, मतलब ये सवाल पोजीशन पे नहीं है, किस पे है, सिंबल पे। अब क्या है सिंबल, जब भी सिंबल है तो अभी क्या देखना है, अब देखो बच्चे एक सिंबल को पकड़ो तो कितना बढ़ा या कितना घटा। तो अब मैं एक सिंबल को पकड़ ले रहा हूं, अब मैं सिंबल को पकड़ रहा हूं, अब देखो जी ये क्या आ गया 1.5 से कहां पे आ गया दो पे, मतलब आधा बढ़ गया। अब मैं देख रहा हूं कितना बढ़ा, अब इसी सिंबल पे ध्यान दूंगा, इसको छोड़ दूंगा अभी मैं, आधा बढ़ा। दो से आ गया 2.5 आधा बढ़ा, 2.5 से तीन आधा बढ़ा, तीन से 3.5 आधा बढ़ा। तो आंसर में ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा। अब देखो जी पहले एरो था नीचे, फिर हो गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर, तो आंसर में क्या आएगा ऊपर। ये एरो ऐसे होना चाहिए, ठीक है, चलो कंपेयर। हां जी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अरे क्लियर, बस एक पार्ट को देखना है बच्चे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको बस, जब भी मान लो यहां पर 1.5 है, 1.5 कोई भी नहीं है, तो उसके बस किसी भी एक सिंबल को पकड़ लो आंसर आ जाएगा। अब अगर मान लो मैंने इसको पकड़ा होता बीच वाले को, किसी को भी पकड़, हमारी मर्जी है, तो जब भी एरो आ जाए तो एरो में किसका इस्तेमाल करेंगे, एनी एस डब्ल्यू का, एरो में किसका इस्तेमाल करेंगे, आपको जब भी एरो आएगा आप एग्जाम में बस इसका ध्यान कर लो, ऐसे बना लो, ऐसे होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एंड सो ऑन। अब हो जी पहले क्या था, ऐसे साउथ पे, फिर कहां चला गया, ऐसे ऐसे, मतलब ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज में दो लाइन घुमा, ठीक है। पहले ये था एरो ऐसा, फिर बन गया ऐसे, मतलब पहले वाले केस में ए था यहां पे, बी वाले केस में आ गया यहां पे, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में दो लाइन घुमा, तो मैं क्या बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज में दो लाइन। अब वो यहां से चेक करो, फिर यहां से कैसा बन गया ऐसा, मतलब यहां पर आ गया सी, तो एंटी क्लॉकवाइज में एक लाइन घुमा। अरे समझ में आ रहा है बेटा, ऐसे ही देखना है पेपर में, आसान आसान तरीका। अब मैं बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज में एक लाइन घुमा, आप देखो ये पहले यहां पे था दो, यहां पे एक, मतलब रिपीट नहीं होता, लॉजिक सही नहीं है, जब तक रिपीट नहीं होगा वेट करूंगा। आगे कंपेयर करो बच्चे, फिर यहां से कहां पहुंच गया यहां पे, इसका मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज में दो घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज में जैसे ये दो घुमा ये लॉजिक क्या हो गया कंफर्म। फिर देखो जी यहां से गया यहां पे एक लाइन घुमा, फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज में एक लाइन, तो आंसर में क्या होगा दो लाइन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से दो घूमेगा एक दो, आंसर में कहां पे आएगा नीचे। ये हो सकता है ये नहीं, ये हो सकता है ये नहीं, ये हो सकता है। अरे क्लियर, किसी भी एक पार्ट को पकड़ के आपको सवाल को स्टार्ट करना है, ठीक है। मोस्टली पेपर में ये एरोज वाला कंसेप्ट आता है बच्चे, एरोज वाला कंसेप्ट आता है, तो एरोज को ऐसे समझ, जब भी आपको एरो दिख जाए, आधा एरो दिख जाए, पूरा एरो दिख जाए, जब भी अपने ही स्थान पे घूमने लगे तो वहां पर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। दोस्तों समझो, ये वाला एरो अपने स्थान पे नहीं है, यहां से यहां आ गया, यहां से ये अपने स्थान से हटता जा रहा है, तो उस केस में देखो कितना हटा, मतलब कितना पोजिशन मूव कर रहा है। लेकिन ये वाला एरो देखो यहां पर भी बीच में, 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 मतलब उसका पोजिशन फिक्स है, तो उस केस में देखो कितना घुमा, कितना लाइन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में घुमा। अरे ठीक है, दैट डिपेंड्स बच्चा, अगर मैं इससे स्टार्ट करूं तो मेरा आंसर एक ही बार में आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो किस्म, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो आओ जी अगला सवाल, आ तो इसमें क्या आ गया, ये सारे अलग अलग हो गए, सारे फिगर क्या हो गए, अरे गलत लिखा दिया, जब भी सारे फिगर अलग अलग होते हैं तो फिगर पे बेस्ड होते हैं, पोजिशन लिखा दिया लगता है मैंने, सॉरी ये मिस्टेक है बच्चे, जब भी सारे फिगर होते हैं तो उस केस में क्या होता है, फिगर को इंडिपेंडेंट फिगर को देखते हैं, सारे फिगर क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सारे फिगर्स को देखते हैं। जैसे अभी सवाल देखो जी, अब जो पहले में था वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरे में था वो तीसरे में नहीं, जो तीसरे में सारे अलग अलग है, तो आप एक काम करो सारे फिगर में लॉजिक ढूंढो, बहुत बढ़िया, तो सेकंड आएगा नहीं, गाल ले आई हो, अरे कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते। तो इसमें कितना है, लॉजिक सही था, आंसर गलत कर दिया ना बेटा, लॉजिक सही,
ऐसे लॉजिक का चार डालू जो आंसर गलत देगा मुझे। ओ कोई बात नहीं, अब इसमें क्या बोलेंगे, सब में क्या बचे, फिगर अलग अलग है, सारे फिगर का इंडिविजुअल लॉजिक निकालते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे क्या आ गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, तीन, और इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तीन साइड्स को तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। यहां पर कितना साइड्स आ गया बच्चे, चार, इसको चार हिस्सों में बांट दिया। इसमें कितना बच्चे, पांच, एक दो तीन चार पांच हिस्सों में बांट दिया। इसमें कितना बच्चे, छह, एक दो तीन चार पांच छह हिस्सों में बांट दिया। इसमें कितना, एक दो तीन चार पांच छह और सात, एक दो तीन चार पांच छह सात में बांट दिया। तो आंसर में क्या होगा, आठ साइड होगा और आठ हिस्से बनेंगे। साइड देखो जी, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ साइड तो है, पार्ट से करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ना ना ये तो नहीं है। इसमें साइड्स कितना है बच्चे, छह, ये तो नहीं है। इसमें कितना बच्चे, एक दो तीन चार पांच छह और सात, ये भी नहीं है। इसमें कितना, एक दो तीन चार पांच छह, ये भी नहीं है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर पांचवा, चेक कर लो, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, हां जी आंसर ठीक है। राजेश ये क्लास अभी खत्म होने के बाद ऐप पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद देख सकते हो, कितनी बार भी देख लो किसने मना किया, देखो आराम से ठीक है। हाँ जी गीतान जी, जिसमें आठ होगा भाई आंसर है, क्यों बना रहा है बेटा, ठीक है। चलो अगला सवाल पे आते हैं, छठा सवाल, कौन बताएगा, कौन कौन बताएगा, फर्स्ट ऑफ फिफ्थ में, देखो यहां पे आओ, देखो जी इस टॉपिक में जब भी सर्कल आता है, जब भी सर्कल आता है, सर्कल को मानते हैं टू साइडेड फिगर, सर्कल को मानते हैं टू साइडेड फिगर, सर्कल जब भी आएगा उसमें साइड्स कितना मानते हैं बच्चे, दो, इस टॉपिक के अंदर ठीक है। क्योंकि सर्कल को हम यहां से ब्रेक करते हैं तो एक साइड ये मान लेते हैं और एक साइड ये मान लेते हैं, तो सर्कल को हम बोलेंगे टू साइड, आप कैसे बोलेंगे। यहां पे क्या आ गया, टू साइड फिगर आ गया, यहां पे आ गया दो और तीन, तो यहां से एक चीज देखा बच्चे, ये जो सिंगल था ये क्या हो गया बड़ा, उसके अंदर आ गया तीन साइड ठीक है। तो पहले यहां पे दो साइड था, ये बड़ा होकर तीन साइड अंदर आ गया, फिर देखो यहां पे क्या आ गया, तीन साइड, अब दो फिर से ये बड़ा होकर इसके अंदर क्या आ गया, चार साइड ठीक है। इसको ऐसे भी देखो जी, अगर मैं एक एक छोड़ दूं, सारे फिगर क्या है, एक एक फिगर आ रहे हैं ठीक है। इसमें कितना साइड्स है, दो, इसमें कितना, तीन, इसमें कितना, चार। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आंसर में दो फिगर होगा जो सारे ऑप्शन में ठीक है। अब दो जी, अब कंपेयर करते हैं, ये सर्कल कहां से आई, ये वाला पार्ट क्या हो गया, बड़ा, और इसके अंदर तीन साइड आ गया। यहां पर भी देखो ये वाला पार्ट हो गया बड़ा, इसके अंदर क्या आ गया, चार साइड हो गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा, और इसके अंदर क्या आएगा, पांच साइड आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, पांच साइड आएगा, ऐसा कुछ, एक दो तीन चार पांच, ऑप्शन नंबर, ये क्या किया मैंने, फोर्थ होगा, फोर्थ होगा, ये तो होगा ही नहीं, अच्छा ब्लेंडर, ठीक कोई बात नहीं, फोर्थ होगा ठीक है। किसने बताया फोर्थ, भाई देवे आप कुछ भी हाथ खड़ा कर लो, क्या फर्क पड़ा, आप मानना ही पड़ेगा, कुछ भी मान लो ठीक है, क्लियर। चलो आओ जी अगला सवाल, ओहो ये चुचू करी कुछ ना हुआ, ऐसे सवाल आएगा पेपर में, तो अगर मैंने क्या बोला, अगर सब देखोगे दिक्कत आएगा, कम देखोगे आंसर जल्दी आता है। अगर मैं क्या बोलूंगा,
ऊपर वाला कहां आ गया? नीचे। ऊपर वाला कहां आ गया? नीचे। ऊपर वाला कहां पे आ गया? नीचे। ऊपर वाला कहां पे आ गया? नीचे। तो आंसर में बी कहां पे आएगा? नीचे। आंसर में बी कहां पे आएगा? नीचे। यहां पे बी नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर। हाँ वैसे भी देख सकते, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा है ना, ऊपर और नीचे दिख रहा है साफ साफ, जो ऐसा वैसे भी कर सकते हैं। अब साथ में बात समझना बच्चे, जब भी एग्जाम में ये टी बनता है, ऐसे जब भी ये टी देता है, तो आपको टी को टी नहीं क्या देखना है, इसको एरो ऐसे बना देना है, इसके दोनों कान को बढ़कर ऐसे खींच देना, नीचे बना देना है, ठीक है। मतलब अगर ये टी देगा तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, इसको मैं ऐसे देखूंगा, इसको मैं ऐसे देखूंगा, इसको मैं ऐसे देखूंगा, इसको ऐसे देखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो देखो बच्चे, ये दोनों सेम आ गया, मतलब आंसर में ये वाला एरो बनेगा निश्चित रूप से, आंसर में ये वाला बनेगा। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, इन दोनों में आंसर आएगा। फिर मैं बोलूंगा ऊपर वाला कहां पे आ गया? नीचे। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। बार बार देखो, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं देख सकता, आपको हो सकता है एग्जाम में ये दिख जाए, कुछ बच्चों को ये टी वाला पोर्शन दिखेगा, इस बच्चे को दिखा कि ऊपर वाले सारे अलग अलग हो रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम देख के आपको आंसर निकालना, ये ऑब्जेक्टिव है, जितना कम देख के आपको कोशिश करना है आंसर निकालने का, ठीक है। बच्चे ने क्या बोला, इसने बोला गुरु जी गौर से देखो ऊपर नीचे क्या देख रहे हो, ऊपर वाले सारे अक्षर क्या है, अलग अलग है, ऊपर वाले सारे अक्षर क्या है, अलग अलग है। तो आंसर में भी इसके अलावा कोई अक्षर आएगा ऊपर, वी आ चुका है, गया, टी आ चुका है ऑलरेडी, गया, वी आ चुका है, ये भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। मोस्टली ऐसे ही पता नहीं रहेगा पेपर का, क्या टाइम पास करो क्लास में, अभी दिखाऊंगा प्रीवियस सर। चलो अब सर्कल के अंदर क्या कर दिया बच्चे, दो चिन्ह लगा दिया, सर्कल के अंदर क्या कर दिया, दो चिन्ह, दोनों चिन्हों को अलग अलग देखो, दोनों चिन्हों को अलग अलग देखो, कैसे करेंगे। चलो सबसे पहले समझाने के लिए बेटा, सबसे पहले काम करते हैं, ये बना लिए, ये डायग्राम था, सब में डायग्राम है, ठीक है जी। अब आ जाओ जरा इस एरो को देखते हैं, तो पहले में एरो कहां पे था, यहां पे था, ए में कहां पे था, यहां पे, बी में कहां चला गया, यहां पे, बी में आ गया, यहां पे, सी में आ गया, यहां पे, डी में कहां पे आ गया, दोबारा आ गया यहां पे, ई में कहां पे आ गया, दोबारा यहां पे। तो आंसर में क्या आएगा, तो देखो दो दो छोड़ के जा रहा, दो छोड़ के, ए से बी एक छोड़ के आ गया, बी से सी एक छोड़ के, एक एंड, तो आंसर में कहां होगा, यहां पे होगा। तो एरो मुझे यहां पे दिखना चाहिए, एरो मुझे यहां पर दिखना चाहिए, और एरो क्या होगा बच्चे, अंदर की तरफ होगा, सॉरी एरो अंदर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ। तो ये एरो क्या है बच्चे, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, एंड सो ऑन। तो आंसर में एरो कहां पे होगा, अंदर की तरफ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो गया, ये तो गया, और ये भी गया, इन दोनों में आंसर है। अब क्या आंसर ये कौन बताएगा, ये पॉइंट बता देगा, और चेक करो, यहां से आ गया यहां पर, बता एक लाइन घूम गया, ठीक है, एक एक चला गया, फिर यहां से यहां, मतलब फिर से एक घूम गया, यहां से आ फिर से एक घूम गया, यहां से आ फिर से एक घूम गया, तो आंसर में घूम के यहां पे आएगा, आंसर में यहां पे आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हां जी फर्स्ट, बहुत बढ़िया गीताज जी, अरे क्लियर, आपको एक साथ दोनों को नहीं देखना है, बस बार बार एक ही बात बोल रहा हूं बच्चे, ऐसे सवालों में जितना ज्यादा सिंबल होगा उतना प्यार से बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है बच्चे, आपको बस एक बार में एक ही सिंबल को देखना है, सब पे नजर नहीं मारनी है, स्टेप बाय स्टेप चलो, 100% एक्यूरेसी आंसर आता है। चलो आओ जी नौवां सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, कौन बताएगा, कौन है वो, है कौन वो, मार्क्स लगा मालूम चलता क्या बोल रही है,
तो टोकती क्यों रही बेटा मुझे? देखना बेटा, आप एक बार में एक को देखो, या तो अंदर जो बना हुआ है उसको देखो, या बाहर जो एरो बना हुआ है उसको देखो, केवल एक को देखो, दोनों को देखना। इसको देखो बेटा, कहां से कहां गया। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से देखते हैं, ये वाला एरो कहां चला गया, यहां पर मतलब आधा और आधा कितना चला गया, एक, ठीक है। यहां से यहां होता है आधा, और यहां से यहां होता है आधा, तो कितना चला गया, एक, ठीक है। फिर यहां से आ गया यहां, तो यहां से हो गया मतलब कितना चला गया, आधा, पहले गया एक, फिर कितना गया, आधा। फिर देखो यहां से गया यहां, मतलब यहां से आधा, फिर आधा और आधा कितना चला गया, एक। फिर यहां से यहां मतलब आधा, तो अब कितना जाएगा, एक। तो एक दो ये एरो यहां पे बनता हुआ दिखेगा, पहला तो गया, सेकंड थर्ड ये गया, ये और गया। बेटा क्लियर? अब आ जाओ बीच वाले पार्ट को देखो, दो आंसर बचा हुआ है। आओ जी, यहां से यहां मतलब पहले यहां था, फिर यहां से कितना गया, आधा। फिर यहां से यहां कितना बचे, एक। जब भी वो दो किनारे पे जाएगा वो एक होगा, बीच से बीच में जाएगा एक होगा, किनारे से बीच में जाएगा कितना मानेंगे, आधा। जैसे को समझा दूं पहले मैं, कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी, समझा ध्यान से बच्चे। जैसे मान लो मैंने बोला बच्चे ये चित्र है बच्चे, ठीक है, ये एरो यहां पे था, एरो कहां था, यहां पे। सेकंड वाले फिगर में अब ये एरो कहां चला गया, यहां पे। तो इसका क्या मतलब होता है, तो देखो जी, पहले भी था किनारे पे और फिर कहां चला गया, किनारे पे। और ये किनारे क्या, अगर वो जब भी किनारे से किनारे जाएगा ये क्या मानेंगे, एक। तो मैं बोलूंगा घड़ी की दिशा में कितना चला गया, एक, ठीक है। अब मान लो यहां से वो आ गया, मान लो यहां से वो आ गया यहां पे, अब कितना बोलोगे इसको, यहां से यहां आ गया कितना बोलोगे, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से यहां कितना बच्चे, एक, दो किनारा एक, और फिर यहां से बीच का मतलब आधा, तो कितना गया बच्चे, डेढ़, ठीक है। अब मान लो यहां से मैंने बोल दिया यहां पे आ गया, कितना बोलोगे इसको, तो जब भी ये बीच से बीच जाएगा इसको भी क्या मानेंगे, एक। भाई यहां से यहां कितना, आधा, और यहां से आधा कितना, आधा, तो कितना गया, एक। अरे क्लियर? तो ऐसे जब भी किनारे से किनारे जाएगा एक मानेंगे, बीच से बीच जाएगा इसको भी कितना मानेंगे, एक मानेंगे, लेकिन बीच से अगर किनारे पर जाएगा तो क्या मानेंगे, आधा, अगल बगल आएगा तो आधा। वही कंसेप्ट लगाया उसमें। क्या ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चे, देखो जी, ये बीच से कहां पे आ गया, किनारे पे, मतलब कितना गया, आधा, किनारे से किनारा एक, एक से बीच में आधा, फिर बीच से बीच कितना, एक, तो अब जाएगा आधा, यानी कि ऐसा बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, क्लियर। चलो अगला सवाल, दसवां सवाल, या तो एरो को देखो या तो डॉट को देखो। इससे स्टार्ट करते हैं, यहां से आ गया यहां, मतलब बीच से बीच कितना गया, एक, कितना गया, एक। फिर यहां से गया यहां पे, ये भी कितना गया, एक, ये भी कितना गया, एक, ये भी कितना गया, एक, तो आंसर में कितना जाएगा, एक, आंसर में कितना जाएगा, एक। लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज देखो ये ए और ई क्या हो गया, सेम, ए और ई क्या हो गया, सेम। तो अगर ये दोनों सेम है तो आंसर ये वाला पार्ट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अरे ये तुम अभी ना हो, तुम सुनते हो, अब रोना शुरू कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अभी नहीं, आज पहली क्लास। चलो अब एक काम करो, इसको मत करो, अभी मत करो, अब मैं दे रहा हूं आपको, आपके पेपर में पूछा गया सवाल, ठीक है। तो अब ये जितना सवाल है 2019 का, मतलब 19 में क्या था, पहली बार चुकी रिपीट हुआ, तो सवाल बहुत हाई लेवल का नहीं था, जितना पढ़ा है उससे अब सारे सवाल बन जाएंगे। ऐसे ये सवाल देखो, आओ जी, पेपर का सवाल ये निकाला है मैंने examples.com से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया बच्चे, 2019 का सवाल, बताओ क्या आंसर। No.
जब भी ऐसा आएगा ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। देखो जी, पहला कहां गया? पांचवे पे। पहला कहां गया? पांचवे पे। पहला कहां गया? पांचवे पे। पहला कहां जाएगा? पांचवे पे। ये बीच में होगा, गलत है, हो सकता है ये भी गलत है, ठीक है, बी और सी में। अब आ जाओ, कोई पकड़ लो, बीच वाला। पांचवा कहां गया बच्चे? दूसरे पे। पांचवा कहां गया? दूसरे पे। पांचवा कहां गया? दूसरे पे। तो पांचवा कहां जाएगा? दूसरे पे। तो दूसरे पे ये वाला होना चाहिए, ये भी गया, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पोजीशन सब में सेम था, बना लिया। आओ जी अगला सवाल। ओहो फर्स्ट अब वो लाइन देखते हैं, यहां पे कितना लाइन आ गया बच्चे? यहां पे कितना लाइन? चार। यहां पे कितना? तीन। यहां पे कितना? दो। तो आंसर में कितना? एक, ठीक है, इन दोनों में आंसर। आप जरा देखते हैं वर्टिकल लाइंस को, देखते हैं लंबवत रेखा, यहां पे कितना? दो। यहां पे कितना? तीन। यहां पे कितना? पूरा मजे ले ले, चार। आंसर में कितना? पांच। तो ये गया ऑप्शन नंबर डी। तो कितना हल्का सवाल पेपर में आया हुआ है, 19 में, ठीक है, आ रहा है, कांड कांड। देखो जी, एक लाइन एक लाइन, दो लाइन दो लाइन, तो अगला कितना? तीन लाइन, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। ये हो सकता है गया, हो सकता है गया, ठीक है। अब उदाहरण हैं, यहां से कितना? दो। ये भी कितना? दो। ये कितना? तीन। ये भी कितना? तीन। तो आंसर में कितना? चार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला सवाल। ओ नो, बी एग्जाम में कैसे बोलेंगे, जैसे सवाल आएगा मैं बोलूंगा यहां पर बीच में है, बट यहां पर बीच में नहीं, मतलब पोजीशन पे बेस तो नहीं है, तो आप बोलोगे सर ने कहा था केवल सिंबल्स को पकड़ लो कितना जा रहा है। चलो सर्कल पकड़ते हैं, यहां से यहां मतलब कितना बढ़ गया? एक बढ़ गया, क्लॉकवाइज में एक बढ़ गया। फिर यहां से यहां तो कितना बढ़ गया? एक बढ़ गया। अगर ये रिपीट होगा मतलब ये बन गया मेरा लॉजिक, तो यहां से भी क्या बोलेंगे? एक बढ़ेगा क्लॉकवाइज में, आधा आधा यहां पे सर्कल होना चाहिए, ये दोनों, तो ये तो गया, ठीक है। आओ जी सेकंड पकड़ते, आओ जी इसको पकड़ लिया, यहां से ये आ गया, यहां मतलब कितना आ गया? आधा बढ़ गया, ठीक है। बीच से किनारे पे आएगा तो कितना बढ़ गया? आधा। यहां से यहां कितना बढ़ गया? आधा। तो यहां से फिर बढ़ेगा आधा, तो ये फूल यहां पे आएगा, ऐसा कुछ बनेगा, केकड़ा जो भी यहां बनेगा। तो यानी कि ये भी गया और ये दोनों बच गया, ठीक है। अब लास्ट पे स्क्वायर पे, स्क्वायर आ गया बच्चे यहां से यहां मतलब लेफ्ट, ऐसे बोलेंगे। दो से आ गया एक पे, फिर एक से आ गया दो पे, दो से आया एक, एक से आया दो, तो फिर दो से कहां जाएगा? एक। तो यहां पे बनेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलो अगला सवाल। ये नाव तुमने सुनाओ ना, मैं
मैंने कहा तुम्हें सुना हो पाएगा ना, क्या आंसर होगा? देखो जी सिंपल, मैं आप लोगों को यहां पर तीनों लाइन क्या है बच्चे, हॉरिजॉन्टल सीधी रेखा में, यहां पे लंबवत रेखा में, सीधी रेखा में लंबवत, आंसर में क्या आएगा? सीधी रेखा, सारे सीधी रेखा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चूंकि आंसर सीधी रेखा में, तो आप इन दोनों कंपेयर कर ले बेटा, ऐसे कंपेयर कर ले। देखो ऊपर वाला कहां चला गया? नीचे और उल्टा हो गया। पहले यह था लेफ्ट में, कहां पर आ गया? राइट में, ठीक है। बीच वाला रहा बीच में, यह भी क्या हो गया? उल्टा। और नीचे वाला चला गया ऊपर और क्या हो गया? उल्टा, ठीक है। ऊपर वाला कहां पे आ गया? नीचे। नीचे वाला कहां चला गया? ऊपर। ये भी उल्टा, ये भी उल्टा और ये भी उल्टा। तो सबसे पहले क्या बोलेगा, यही काम यहां पे कर दो, ऊपर वाला कहां पे आएगा? नीचे, उल्टा, ठीक है। बीच वाला क्या रहेगा? सेम, और ये हो जाएगा उल्टा, और नीचे वाला ऊपर जाके हो जाएगा उल्टा, यानी कि वो वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो 24वें सवाल पे आते। ओहो क्या आंसर? बी बी ए ए ए ई बी बी। अब सिंपल क्या बोलेंगे, सर्कल में कुल साइज कितना मानते हैं? दो। तो दो साइड ऑफ द फिगर कितनी बार आया? एक बार। किसमें कितना होता है? तीन साइड दो बार, चार साइड तीन बार, तो पांच साइड चार बार। आंसर में पांच साइड वाला फिगर होगा और कितनी बार होगा? चार बार। ये तीन बार है गया, चार है बड़ी, छह साइड है, हमें चाहिए पांच साइड। ये इसमें चार साइड है, ये भी गया ऑप्शन नंबर फोर्थ, डी बी नहीं बेटा, डी डी। हाँ बेटा बी नहीं बेटा, डी डी, ठीक है, डी बी डी। क्या आंसर? दो। सबसे पहले क्या बोलेंगे बच्चे, इन सब में क्या दिया बच्चे? दो सिंबल दिया, सब में क्या दिया? दो सिंबल। लेकिन यहां पर मैंने क्या देखा, इन दोनों में कोई भी डार्क नहीं है, एक डार्क है, कोई भी डार्क नहीं है, तो आंसर में क्या होगा? एक डार्क होगा। इसमें कोई भी डार्क नहीं है, एक डार्क है, कोई भी डार्क नहीं, रिपीट हो गया, तो आगे क्या होगा? एक डार्क होगा। मतलब ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, दोनों में ये चीज यही भी देखो, क्यों चेक करें इसको, छोड़ गोली मारो। एरो एरो अलग अलग एरो देख लो बच्चे, एरो क्या है? यहां पर ऊपर डायरेक्शन में, यहां पे क्या आ गया? नीचे। यहां पे क्या आ गया? ऊपर। तो आंसर में क्या आएगा? नीचे, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? तो इसका पोजीशन मतलब बेटा वैसे वही आएगा, तो ये तो चेंज हो रहा है, पोजीशन चेक हो तो इसका चेक करोगे ना बेटा। वैसे यहां पर क्या बोलेगा, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, तो आंसर में छह साइड होगा, ठीक है, जितना कम देखना है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, कल दोपहर 12:45 में, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।